मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ वाइट ओक कैपिटल के सीईओ आशीष सुमैया जुड़ गए हैं, जिनके पास मार्केट में 20 सालों से ज्यादा का लंबा अनुभव है। आशीष जी, गुड मॉर्निंग, हमें समय देने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले शुरुआत करेंगे, क्योंकि आप एक काफ़ी ग्लोबल पैसा मैनेज करते हैं और एक बहुत बड़ा फंड है अब आपका, और इनफैक्ट सबसे बड़े फंड्स में अब आपकी गिनती की जाती है। ग्लोबली जो इस समय समीकरण बन रहे हैं, और खासतौर से फेड का जो आज डिसीजन आना है, उसको लेकर आप किस तरीके से अप्रोच करेंगे मार्केट्स को? अब अनुज जी, अब क्या है कि पूरा जो 2022 था उसमें फेड के रेट हाइक्स, डॉलर की स्ट्रेंथ और ये सारे कारणों की वजह से हम लोगों को काफी सफर करना पड़ा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि अगर डॉलर इतना स्ट्रांग होते जा रहा है तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, हमारे एक्सचेंज रेट्स, हर चीज के ऊपर इसका नेगेटिव असर हमको देखने को मिल रहा था, और इसी की वजह से हमारी मॉनेटरी पॉलिसी भी इसका काफी वेटेज था। अब बात यह है कि एक और रेट हाइक होता है या पॉज होता है, ये बस अब खाली देखने भर के लिए, जिसको आप बोलते हैं फॉर्मेलिटी के तौर पे रह गया है, क्योंकि अगर आप देखिएगा पिछले साल डेढ़ साल में जो वहां पे रेट हाइक्स हुए हैं और उनकी आर्थिक व्यवस्था पे, उनकी बैंकिंग सिस्टम पे जो परिणाम उसका होना चाहिए था या जो परिणाम उसका हो सकता था, वो परिणाम काफी हद तक अब हमको देखने को मिल रहा है। अगर वहां का अगर आप रियल एस्टेट देखें, कमर्शियल रियल एस्टेट देखें, वहां के जॉब सिचुएशन को देखें, मार्केट्स को देखें, तो आपको समझ में आ रहा है कि शायद एक आध रेट हाइक हो सकता है या शायद पॉज हो सकता है। लेकिन अब ये जैसा मैंने पहले बताया कि फॉर्मेलिटी केवल है, और अल्टीमेटली अगर यूएस की पॉलिसी में कहीं ना कहीं पे आर्थिक व्यवस्था की वजह से कहीं ना कहीं यूएस पॉलिसी में अगर पिवट देखने को मिल रहा है तो उसका अर्ली इम्पैक्ट हमको ऑलरेडी देखने को मिल रहा है यहाँ पे, क्योंकि अगर आप देखिए डॉलर ने अपनी थोड़ी बहुत स्ट्रेंथ छोड़ दी है, एफआईआईज का रुख भी इमर्जिंग मार्केट्स की तरफ और इंडिया की तरफ पिछले थोड़े दिनों में चेंज हुआ है। तो आई थिंक एक पिवट जिसको बोलते हैं या एक मोड़ तो आ गया है, अब देखते हैं कितने जल्दी से हम इसको पार करते हैं। अब इसी से एक रिलेटेड सवाल पूछता हूँ, क्योंकि हम यूएस की बात कर रहे हैं, जो अब रिसेशन को लेकर रिस्क है और जो बैंकिंग क्राइसिस वहां चल रहा है उसको लेकर आईटी कंपनियों ने क्लियरली थोड़ा सा एक वार्निंग दी थी, खासतौर से इंफोसिस ने। अब यहाँ पर सवाल ये है आशीष जी, लोग ये पूछ रहे हैं कि क्या यहाँ बार्गेन बाइंग की जाए या एक दो क्वार्टर और देखे जाए, पेन कितना बाकी है, आप किस कैंप में होंगे? तो अनुज सर, हम जैसा पिछले समय में हमारी बात हुई थी तो मिड कैप आईटी जैसा हमारा ऐसा सोच था कि डेफिनेटली यूएस की वजह से गाइडेंस और रिजल्ट्स के ऊपर ध्यान रखना चाहिए, और जैसा आपने बताया बड़ी कंपनियों ने डेफिनेटली वार्निंग सिग्नल्स दी हैं, लेकिन साथ ही साथ जिन मिड कैप आईटी कंपनीज में हम लोगों का समझो एक्सपोजर है, जैसे हमारा अगर आप बीएससी 500 से कंपेयर करें तो हम कंपेरेबल वेटेज पे हैं या मामूली से ज्यादा वेटेज पे हैं आईटी में। और आपके सवाल में मैं ये कहूंगा कि समझो मिड कैप आईटी कंपनीज जो हैं हमारे पास, उसमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट हमने अभी तक देखा नहीं है, बल्कि ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर परफॉर्मेंस अच्छा भी है और गाइडेंस भी है। रहा सवाल जो आपने ओवरऑल सेक्टर की या बड़ी कंपनीज की बात की, आई थिंक पॉजिटिव इंक्लिनेशन से देखना चाहिए। जैसा आपने बताया बार्गेन बाइंग है, तो स्टॉक स्पेसिफिक बेसिस पे मुआयना करके डेफिनेटली उसको पॉजिटिवली देखना चाहिए। ओके आशीष, गुड मॉर्निंग, वेरी इन दिस साइड। आशीष, आप लोग का जो फंड है वाइट ओक कैप मल्टी एसेट एलोकेशन फंड, जो कि 3 तारीख को यानी आज खुल रहा है, 7 दिन तक ओपन रहेगा, थोड़ा इसके बारे में बताइए, स्पेशली इस मद्देनजर क्योंकि इस साल से आपको डेट फंड में जो इंडेक्सेशन बेनिफिट है वो नहीं मिलेंगे, थोड़ा सा इसकी ऐसे में प्रायोरिटी क्या थी, मतलब एज ए इन्वेस्टर मेरे लिए कितना महत्वपूर्ण है ये, और इस फंड के बारे में थोड़ा सा बताइए। बेसिकली जैसा आपने बताया क्या है कि 31 मार्च के पहले केवल दो ही टैक्सेशन के सिनारियो रहते थे, एक होता था डेट म्यूचुअल फंड, एक होता था इक्विटी म्यूचुअल फंड। तो संक्षेप में बताऊंगा कि 31 मार्च के बाद ये केवल डेट और इक्विटी नहीं है, 65% से ज्यादा डोमेस्टिक इक्विटी वाले फंड हैं वो तो इक्विटी टैक्सेशन में है, उसमें कोई इम्पैक्ट नहीं है। लेकिन अगर तो किसी फंड में 65% से कम इक्विटी है तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया। पहले क्या था कि 65% से कम डोमेस्टिक इक्विटी मतलब वो डेट है, और डेट को अगर आप 3 ईयर्स होल्ड करेंगे तो वो लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा, और उस पर 20% विद इंडेक्सेशन इम्पैक्ट फैक्टर करने के बाद 20% टैक्स लगता था। अब जो 31 मार्च के बाद का माहौल है, फाइनेंस बिल पास होने के बाद का, इसमें ये लेस देन 65% वाले को डेट नहीं बोलेंगे, उसको दो पार्ट में फिर डिवाइड कर दिया गया है। एक तो ऐसे फंड है जहाँ पे 35 to 65% डोमेस्टिक इक्विटी है, इसको हम बोलते हैं सिंप्लिसिटी के लिए हाइब्रिड फंड,
और दूसरा हो गया कि लेस देन 35% डेट, लेस देन 35% इक्विटी। तो लेस देन 35% इक्विटी है वो पूरा का पूरा डेट है, इसमें कोई लॉन्ग टर्म एसेट नाम की कोई चीज नहीं है, सब कुछ शॉर्ट टर्म एसेट कहलाएगा और हर चीज पे आपका जो टैक्स रेट है उसी पे आपको टैक्स लगेगा। लेकिन रही बात जो 35 से 65 इक्विटी है, उसको हाइब्रिड फंड जो हम बोलते हैं, उसमें खास बात यह है कि अभी भी ये 3 साल पे लॉन्ग टर्म एसेट कहलाएगा और अभी भी इसमें 20% लेस इंडेक्सेशन होगी। और अगर आप थोड़ा एरिथमेटिक करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि जब इंडेक्सेशन बेनिफिट साल का 5-6% चल रहा है तो 20% लेस इंडेक्सेशन जो टैक्स का कैलकुलेशन है वो कई सूरतों में इक्विटी से भी ज्यादा अट्रैक्टिव कैलकुलेशन बनता है कभी कभी। तो ये जो मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, फ्रेंकली हम लोगों ने, जैसे आप समझ सकते हैं कि रेगुलेटरी फाइलिंग का अपना एक प्रोसेस है, लॉन्च का अपना एक प्रोसेस है, तो टैक्स को मद्देनजर रखते हुए तो स्कीम डिसाइड नहीं कर सकते क्योंकि टैक्स लॉज अमूमन चेंज होते रहते हैं। लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव टैक्स को लेकर के नहीं था, ये कोइंसिडेंस है कि टैक्स में ये हाइब्रिड में बैठता है। हमारा पर्सपेक्टिव ये था कि भाई इन्वेस्टर्स जो निवेशक हैं उनको एक लो, क्योंकि मल्टी एसेट सारे एसेट कंबाइन करने से आपको हर एक एसेट क्लास की रिटर्न स्ट्रीम तो मिलती है, लेकिन सही सही प्रोपोर्शन में कंबाइन करने से आप प्रोडक्ट की वॉलेटिलिटी भी कम कर सकते हैं। तो हमारा इंटेंशन टैक्स को टैकल करने का नहीं था, हमारा इंटेंशन ये था कि इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को लो वॉलेटिलिटी के साथ डेट से थोड़ा ज्यादा रिटर्न मिल पाए, ऐसा कोई प्रोडक्ट क्रिएट किया जाए, ये हमारी एंडेवर या ये हमारी कोशिश थी। लेकिन ये कोइंसिडेंस है कि टैक्स में भी हाइब्रिड में बैठता है तो और एक अट्रैक्टिव फीचर बन जाता है इसका। ओके आप जाके पढ़ सकते हैं, दर्शकों से गुजारिश है जब भी अगर आप बिकें आप पढ़ना चाहें इस फंड के बारे में जाके पढ़ सकते हैं। बट अब हम इस फंड की बात से निकल के बाहर आएंगे। आशीष जी, इस बार FMCG गजब का मूव दे रहा है, इंडिसेस भले ही अगर आप देखें अभी भी अपने प्रीवियस ऑल टाइम हाई से काफ़ी दूर है, बट निफ्टी FMCG बहुत बड़ा स्विंग देखकर ऑल टाइम हाई पर है। पहले ये मूव जो था वो काफ़ी कुछ हद तक कुछ स्टॉक्स तक सीमित था, ITC लीड करा था, लेकिन अब ये स्प्रेड सब में हो चुका है। FMCG के इस स्ट्रॉन्ग स्विंग के पीछे कारण क्या है और क्या वाकई FMCG को चेस करना चाहिए इस वक्त कुछ क्वार्टर्स के लिए? आप वीरेन जी, हमारे पोर्टफोलियो में है, वैसे अगर आप देखें, अगर कंज्यूमर को देखें तो ज्यादा एक्चुअली हमारा कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में ओवरवेट है। कंज्यूमर स्टेपल्स को देखें तो जो बड़े लार्ज कैप कंपनीज हैं उसके अलावा कोई ज्यादा ओवरवेट ऐसा नहीं है, BSE 500 के मुकाबले में इक्वल वेटेज ही है। लेकिन आपके साल में ये कहूंगा कि मुझे ऐसा लगता है कि अगर 18-20 महीने तक आप देखें, जैसे पिछले साल मार्केट में एक सेक्टर्स में काफी रोटेशन आई, आपने देखा वॉर के बाद ऑयल, मेटल, कमोडिटी, एनर्जी, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज, ये सारी चीजों में काफी स्ट्रॉन्ग मूवमेंट आया। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक नॉर्मल सेक्टर रोटेशन है, क्योंकि पिछले साल जो चीजें जियोपॉलिटिक्स कहें आप उसको, ऑयल प्राइसेस कहें, डॉलर का अप्रिसिएशन, आप जितने भी मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर 2022 के गिना सकते हैं, उसका एक अगेंस्ट या उसका एक काउंटर साइक्लिकल मूवमेंट अभी आपको देखने को मिल रहा है। तो हकीकत में ये है कि रिलेटिव वैल्यूएशन का मूवमेंट कितना है, फंडामेंटल्स को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है, और केवल मार्केट का सेक्टर रोटेशन कितना है, ये सारे चीजों को अगर आप फैक्टर करके चलेंगे, क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि जब प्राइस मूवमेंट होता है तो व्यू पॉजिटिव हो जाता है, आई डोंट थिंक केवल ऐसा ही है, आई थिंक ये सारी चीजों का टोटल इम्पैक्ट आपको दिख रहा है। एक सेक्टर रोटेशन भी हो रहा है, रिलेटिव वैल्यूएशन में भी, क्या 18-20 महीने अगर मूवमेंट नहीं होती है, कैश फ्लोज बढ़ते हैं तो अपने आप ही स्टॉक थोड़े चीप नजर आने लगते हैं। सो आई थिंक इट इज अ सारी चीजों का कॉम्बिनेशन है ये, और मैं इसको पूरा का पूरा फंडामेंटल्स पे एक्स्ट्रापोलेट नहीं करूंगा, आई थिंक स्टॉक स्पेसिफिक ही रहना पड़ेगा लोगों को। ओके अच्छा आशीष जी, एक बड़ा सवाल जो मार्केट के सामने है कि इस मार्केट में अब यहाँ से आगे क्या, क्योंकि लीडरशिप रही है बैंक निफ्टी के पास और शानदार परफॉर्मेंस उसने दिखाई है, लेकिन यहाँ पर एक रिस्क है कि पिछले क्वार्टर की अर्निंग शायद सस्टेनेबल ना हो। इवन ICICI बैंक ने अपनी कॉन कॉल में कहा था कि ये मार्जिन तो सस्टेनेबल शायद ना हो, और अब वैल्यूएशन कंफर्ट भी उतना नहीं रहा जो पिछले साल था बैंक निफ्टी में। यहाँ से आपके हिसाब से मार्केट को क्या लीड करेगा, बैंक ही रहेंगे लीडर? अनुसर, मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने पहले अभी वीरेन सर के सवाल के जवाब में जब मैंने बताया, मुझे लगता है सेक्टर रोटेशन का और उसका भी काफी रोल रहता है। तो अगर आप एक माफ कीजिए, अगर एक टेक्निकल चीज में अगर आपको कोट करूं तो पिछला पूरा साल अगर आप देखें बहुत भारी FII सेलिंग हुई, तो एक चीज ये भी होती है कि भाई जो पोर्टफोलियो में वही बिकेगा। तो क्या होता है कि फंडामेंटल्स अपनी जगह पे है, उसको डेफिनेटली रिस्पेक्ट करना चाहिए, बट हकीकत ये भी है कि पिछले साल जब इतनी सेलिंग हुई है तो किस चीज की सेलिंग हुई वो भी हमको देखना चाहिए।
थोड़े समय पहले जब हमारा कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हुआ, आपने यूएस के फैक्टर्स और वहां की पॉलिसी चेंज, इमर्जिंग मार्केट फ्लोज, डॉलर, ये सब चीजों की हमने बात की। तो एक चीज टेक्निकली ये भी होती है कि भाई जब इतनी एफआई बाइंग वापस आ रही है, तो मतलब मैं कोई इसमें एक्सपर्टीज या मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि मैंने लाइन बाय लाइन कोई डेटा चेक किया है, लेकिन समझने वाली बात यह कि सेक्टर रोटेशन से भी या यू नो मार्केट का रुख या सेक्टर्स का जो प्रभाव है वो चेंज हो सकता है। तो संक्षेप में अगर मैं कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली बैंक्स जो हैं उसमें काफ़ी पोटेंशियल है, क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक साइकिल भी अगर देखें तो साल दो साल पहले ही हम लोग एक बॉटम से निकल के आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा है ये अर्ली पार्ट ऑफ दी टर्न अराउंड, जो साइकिल का टर्न अराउंड है ये उसका अर्ली पार्ट है, मुझे नहीं लगता ये लेट स्टेज है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक्स जो हैं वो अभी भी लीड करने का पोटेंशियल रखते हैं। एक सेक्टर जहां पर हमने एक अच्छा कमबैक देखा है इस साल आशीष जी, वो है फार्मास्यूटिकल्स, हेल्थ केयर ओवरऑल। यहां आपके पोर्टफोलियो में कोई स्टॉक्स हैं क्या, क्या पोजीशनिंग है आपकी और आपका व्यू क्या है यहां पर? तो अनुज सर, कंसिस्टेंटली जो पोर्टफोलियोज है उसमें पिछले काफी समय से, साल डेढ़ साल से ये ओवरवेट ही रहा है, और इसमें पूरा का पूरा मिक्स है अगर आप देखें हेल्थ केयर का। तो हमारे पोर्टफोलियोज में फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं, मिड कैप कंपनीज हैं, और हॉस्पिटल और हेल्थ केयर में जैसे मैं कहूँगा हॉस्पिटल्स भी है पोर्टफोलियोज में। और अगर मैं बीएससी 500 के मुकाबले देखता हूँ तो मुझे लगता है 2x या सिग्निफिकेंट ओवरवेट होगा फार्मास्यूटिकल्स और हॉस्पिटल्स और ये पूरा का पूरा जो हेल्थ केयर का सेगमेंट है उसको लेकर के। तो हमारे यहाँ पे जो एनालिस्ट और पोर्टफोलियो मैनेजर्स हैं उनका आइडिएशन अगर आप देखें तो ओवरवेट नजर आता है इसमें। आशीष जी, एक और चीज, ऑटो में हमने अच्छा मूव देखा, हालांकि ये 2023 ऑटो को बिलोंग नहीं करता सो फार, बट टू व्हीलर स्पेस में बहुत अच्छे स्विंग्स आए हैं। टीवीएस मोटर्स ने बड़ा स्विंग दिया, बजाज ऑटो वेंट टू ऑल टाइम हाई। हमने परसों जब सेल्स फिगर के नंबर्स देखे तो ये तो क्लियरली विजिबल है कि एक्सपोर्ट मार्केट जो कि पोस्ट कोविड इन कंपनियों के लिए अच्छा कर रहा था वो कोलैप्स हो रहा है, वो इस वक्त एक कमजोर कड़ी है। आपका ऑटो पे व्यू क्या है, स्पेशली अगर मैं आपसे पूछूं कि ये टू व्हीलर्स में जो बाजार कन्विक्शन जाहिर कर रहा है अपना, आपका कितना कन्विक्शन है टू व्हीलर्स पे? तो वीरेन जी, हमारे पोर्टफोलियोज में ऑनेस्टली स्पीकिंग हम इवेल्यूएट कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई बहुत बड़ा ओवरवेट या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं है। एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि जो फोर व्हीलर्स हैं, बड़ी कंपनीज हैं, लार्ज कैप है, फोर व्हीलर्स है, वो है हमारे पोर्टफोलियोज में। टू व्हीलर्स हमारे पोर्टफोलियोज में है नहीं एक्चुअली। और इसमें मतलब एक तरीके से आप ये भी बोल सकते हैं कि शायद मिस हुआ है या जो भी, लेकिन एट द सेम टाइम डिसरप्शन और जो चेंजेस आने वाले हैं उसकी वजह से अनसर्टेनिटी भी ज़्यादा है। तो हमारा कोई इस पे डेफिनेटिव या कंस्ट्रक्टिव व्यू फिलहाल नहीं है। कंस्ट्रक्टिव व्यू अगर आप देखें अभी तक ऑटो में नहीं है। अच्छा, एक दो चीज़ और देख लेते हैं जो कि अच्छा कर रही हैं आपकी स्क्रीन पे आशीष जी, वो हैं कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स में अभी ये जो मूव है वो काफ़ी नीचे तक स्प्रेड हो गया है। मैं बीएचएल का इंस्टेंस दे रहा हूँ। अब इन कंपनियों के पास अगर आप देखें बड़े बड़े रेलवेज के ऑर्डर भी आ रहे हैं। आपका व्यू कैपिटल गुड्स में, लोग पैसा बना के बैठे हों, चाहे वो फंड्स हों, चाहे वो इंडिविजुअल्स हों, चाहे वो HNIs हों, सब पैसा बना के बैठे हैं, अभी क्या ज़रूरत है इसको कैश में कन्वर्ट करने की, या फिर लगता है कि अभी नहीं कंटिन्यू करिए इसको? तो वीरेन जी, अगर पिछले साल, अगर 2022 के अगर हम ऐसे बताएं कि भाई पोर्टफोलियोज में मेजर चेंजेस क्या थे, तो मैं यही कहूँगा कि मिड 2022 या सेकेंड क्वार्टर कैलेंडर 2022, मिड 2022 से देखें तो इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में जो एक्सपोजर पिछले पूरे साल लगातार इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स में एक्सपोजर ऐड किया गया कंसिस्टेंटली, और समझिए कि नई के बराबर से लेकर के 12-13% एक्सपोजर इंडस्ट्रियल्स और कैपिटल गुड्स का बिल्ड किया गया पिछले पूरे साल में। और हमको ऐसा लगता है कि ये अभी भी सस्टेनेबल है, क्योंकि काफ़ी सालों तक अगर आप उसके पिछले 8-10 साल देखें तो ये बिल्कुल ही ऐसा माहौल या ऐसा कंसेंसस ही बन गया था कि भाई इसमें कुछ नहीं हो सकता है। तो काफ़ी समय के बाद इसमें एक तरीके से आपको टर्न अराउंड या पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है, और हमारे पोर्टफोलियोज में जो भी एक्सपोजर है वो बरकरार है अभी। आशीष जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए आज हमारे साथ और अपनी बात रखने के लिए, मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू अनुज सर, थैंक यू।